एक प्यारा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इंटीग्रल एज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर टॉपिक से। आपको ये इंटीग्रल शो करने की किसके इक्वल है, कॉट इनवर्स वाई के इक्वल है फॉर वाई ग्रेटर देन जीरो। शुरू करते हैं, सबसे पहले हम इसे फाई ऑफ वाई कंसिडर करते हैं कि ये फंक्शन ऑफ वाई है, जीरो टू इंफिनिटी ई रे टू पावर माइनस एक्स वाई साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क हमारा क्या होगा कि इसे डिफ्रेंशिएट करना हमें बाय यूजिंग लेबनिट्स रूल। तो लिखते हैं हम ये वाली लाइन, तो क्या होगा, हम इसे फाइव डैश वाई करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे फाइव डैश वाई। तो फाइव डैश वाई की वैल्यू किसके इक्वल होगी, जीरो टू इंफिनिटी कर्ल अपॉन कर्ल वाई ई रे टू पावर माइनस एक्स वाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, फर्दर जब हम इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो साइन एक्स अपॉन एक्स ये कांस्टेंट का काम करेगा, जो इसका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई तो माइनस एक्स कांस्टेंट आएगा और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं जीरो टू इंफिनिटी ई रे टू पावर माइनस एक्स वाई इंटू माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स। यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस साइन जीरो टू इंफिनिटी ई रे टू पावर माइनस एक्स वाई इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जीरो टू इंफिनिटी ई रे टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स। अगर ये आपके पास दिया हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रे टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर देन ए टाइम्स साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। So, अगर हम कंपेयर करें कि यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ए ए का काम क्या करेगा, ए का काम करेगा माइनस वाई, राइट। सो यहाँ पे हम ए को पुट करेंगे माइनस वाई और बी को पुट करेंगे वन के इक्वल। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसका इंटीग्रल आपको याद रखने की, ये कंप्लीट होते हैं, ये डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। और जब हम इसे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस e रे टू पावर माइनस एक्स वाई अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर देन माइनस वाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और लिमिट्स कहां से कहां तक है, जीरो से इंफिनिटी तक है। जब हम ये लिमिट्स को पुट करेंगे फाइनली हमारे पास जो आंसर आने वाला है फाइव डैश वाई इक्वल टू दैट इज माइनस वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वेयर। तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वेयर बनेगा, क्योंकि जब आप इसमें अपर लिमिट पुट करोगे तो आपके पास ये पूरी टर्म जीरो बनेगा। जब आप इसमें जीरो पुट करोगे एक्स की लिमिट, तो आपके पास ये वाली टर्म जीरो और साइन जीरो जीरो बनेगा, तो माइनस कॉस जीरो वन होगा, तो माइनस वन टाइम्स प्लस ये प्लस बनेगा। फाइनली जब आप पुट करोगे इन्फिनिटी और जीरो, तो आपके पास ये माइनस वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वेयर है। अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, इसे हम इक्वेशन नंबर टू मान लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई ऑफ वाई विल बी इक्वल टू कॉट इनवर्स वाई प्लस सी के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर थ्री है। अब हमारा टास्क सिर्फ इतना रह गया कि हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट्स इट। तो अगर हम फाई ऑफ जीरो की बात करें कि फाई ऑफ जीरो क्या होगा, तो जो गिवन एक्सप्रेशन है हम उसमें पुट करते हैं जीरो टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। तो जो ये एक्सप्रेशन था ना हमारे पास, फॉर क्वेश्चन गिवन था, ये हमारा फाई ऑफ वाई था। अगर मैंने इसमें वाई को जीरो पुट किया तो आपके पास ये पूरा एक्सप्रेशन वन बन गया, तो साइन एक्स अपॉन, हमें पता है कि इसका आंसर किसके इक्वल होते हैं, इसका आंसर होता है पाई बाय टू के इक्वल। जो ये एक्सप्रेशन है इसका जो आंसर होगा वो पाई बाय टू के इक्वल होगा। तो इक्वेशन नंबर थ्री में अगर हम वाई को जीरो पुट करें तो फाई ऑफ जीरो इक्वल टू कॉट इनवर्स जीरो प्लस सी। सो दिस विल इम्प्लाई पाई बाय टू प्लस इक्वल टू पाई बाय टू प्लस सी। तो यहां से सी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, जीरो के इक्वल आ गई। तो सी को जीरो पुट किया आपने इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर थ्री में, तो फाइव ऑफ वाई हमारे पास क्या आ गया, कॉट इनवर्स वाई के इक्वल। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ दो तीन कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले आपको ये फाइव ऑफ वाई आपको रेकोगनाइज करने की, इसमें जो पैरामीटर है वो वाई है, तो आपने फाइव ऑफ वाई लिखा, देन इसे डिफ्रेंशिएट किया बाय यूजिंग लेबनिट्स रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन अंडर द इंटेग्रल साइन। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपके पास माइनस एक्स से एक्स ये वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, तो माइनस बाहर आ गया। फिर ये फॉर्मूला लगाकर हमने इसे इंटीग्रेट किया और फाइनली हमारे पास जो डेरिवेटिव की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर टू आ रही है। देन हमने इसे इंटीग्रेट किया, दैट इज हमारे पास इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स वाई आ गया। और फर्दर इसमें सी की वैल्यू निकालने के लिए हमने जीरो पुट किया पूरी इक्वेशन में, तो फाइव ऑफ जीरो एंड कॉट इनवर्स जीरो की वैल्यूज पुट की हमने, तो सी की वैल्यू जीरो आ गई।
और फाइव ऑफ वाई की वैल्यू क्या आ गई, कॉट इनवर्स वाई के इक्वल आ गई।